हेलो फ्रेंड्स, काजल्स किचन क्लब में आपका स्वागत है। ठंड के मौसम में गर्म चीज़ें खाना हम ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि हरा लहसुन है। ये ठंड के मौसम में मार्केट में इजीली मिल जाता है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो हम कई किसी ना किसी चीज़ में डाल के या फिर इसकी कोई चीज़ बना के हम इसे खाने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं हरे लहसुन का यूज़ करके उसकी एक चटनी बनाने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलो इसे हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, यानी कि मेरी नई रेसिपी की अपडेट आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाए। सब्सक्राइब बटन रेड नहीं है तो ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर दिया है, तो उसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। हरे लहसुन की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने करीबन 150 ग्राम जितना लहसुन लिया है। लहसुन का जो ऊपर का पोर्शन होता है वाइट वाला, उसे मैंने इस तरीके से कट करके उसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है और सारा पानी इसमें से सुखा दिया है। और उसी तरीके से उसके जो लीव्स है उसे भी मैंने इस तरीके से कट करके उसे वॉश करके उसमें से भी पानी सुखा दिया है। तो चलो अब आगे की प्रोसेस करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। अब हमने जो लहसुन का ऊपर का पोर्शन कट करके रखा है उसे मैं मिक्सी जार में डाल देती हूँ। और इसी के साथ अब हम इसमें थोड़ी और चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे हरी हल्दी ले रही हूँ। तो मैंने छोटे 6 टुकड़े हल्दी के लिए ही, ये ठंड के मौसम में मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। हल्दी डालने से चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी। इसी के साथ मैं तीखेपन के लिए यहाँ पे 6 से 7 हरी मिर्च को कट कर लिया है, तो इसे डाल देती हूँ। आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 7 से 8 अदरक के छोटे टुकड़े लिए हैं। 150 ग्राम लहसुन में इतना अदरक इनफ है, फिर भी आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब हम यहाँ पे लहसुन की जो पत्तियाँ है इसे हम डाल देते हैं इसके अंदर। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक। और इसी के साथ यहाँ पे हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तेल का यूज़ इसलिए करना है क्योंकि हम इस चटनी को स्टोर करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है। तेल डालने से क्या होगा कि हमारी चटनी एकदम स्मूथ पेस्ट बनेगी इसकी, इसीलिए हम तेल डालेंगे और ये इसे हम अच्छे से स्टोर भी कर सकेंगे। तो चलो अब हम इसे पीस लेते हैं। तो मैंने इसे पीस लिया है तो हम देख लेते हैं। तो आप देखिए फ्रेंड्स, एकदम स्मूथ हमारी पेस्ट बनके तैयार हुई है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप एट अ टाइम खाने के लिए चटनी बना रहे हो तो इसमें आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो और पानी भी। लेकिन इसे स्टोर करना हो तो इन दोनों चीज़ों में से आप इसमें कुछ भी ना ऐड करें, तभी ये अच्छे से स्टोर होगी। तो चलो अब हम इसे बॉल में ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए, हरे लहसुन की चटनी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, पराठा, थेपला, ढोकले के साथ खा सकते हो और इसे आप एज अ पेस्ट सब्जी में भी यूज़ कर सकते हो। इसे आप कांच की बोतल में भर के फ्रीज में 1 साल तक आराम से स्टोर कर सकते हो। इसका टेस्ट और कलर अभी जो दिख रहा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी ही नई रेसिपी के साथ जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।